मान रहे सम्मान के योगे मंजा से महामंडलेश्वर स्वामी रामदेव जी गंजन की आवाज बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार शख्सियत जिनकी 50 साल की राजनीति में कोई कलंक नहीं है। मेरे पिता बुल्ले, मेरे मार्गदर्शक रामदजीत सिंह जी, हमारे समाज के अंदर बहुत अग्रणीय समाज सेवक दिनेश राजपाल जी, हमारे यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जी, चेयरपर्सन सुमन यादव जी, भाई शांतु लज्जू वाइस चेयरमैन, पूनम भतीजा जी पार्षद, मनीष राय जी पूर्व पार्षद, अशोक सरनेजा जी, सभी पार्षदगण आए हुए, शहर की सरकारी पूज्य मान्य शक्ति। इस चुनाव जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव कई मायनों में बड़ा अलग चुनाव है और खासतौर पर पंजाबी समाज के लिए ये सोचने का विषय है कि हमें अपनी वोट कहां देनी है। अरे हमें तो कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, हमें 2016 कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। जो त्रासदी 1947 में मेरी बहन वंदना पोपट ने कहा कि वी आर वाइस हिंदुस्तानी, कि हमने अपने धर्म को चुना था, अगर हम भी अपना धर्म परिवर्तन करते तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, अपना सब घर त्याग के आते, अपने धर्म के प्रति अपना घर त्याग, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग विपक्ष में रहकर 2016 में आपके साथ यात्रा नहीं कर सकते, आज रोहतक का कांड, झज्जर का कांड या काला नाव का कांड हमारे लिए भूलने का विषय नहीं है। अगर आप हम अपने इतिहास को बोलते हैं तो हम अपने आगे वाले जनरेशन के लिए सोचने का विषय है कि हमारी वोट कहाँ जानी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग, मैं इस मंच से कप्तान साहब को भी आगाह करना चाहूंगा और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ लोग हमारे समाज के दो चार ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ मलाई खाने की जिनको चेष्टा रही है, तो मैं कप्तान साहब से भी कहना चाहूंगा कि कप्तान साहब पहले 30 साल आपकी मलाई खाई थी, और जब बीजेपी की सत्तासीन हुई थी तो सबसे पहले पटका बना था, और आज वो फिर भ्रम में वहां चले गए, तब बीजेपी की सरकार आएगी ये मैं दावे से कह रहा हूँ, फिर वापस घूमेंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा बस बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने समाज को, अपने बच्चों के भविष्य को देखना है। स्वामी धर्मदेव जी यहाँ बैठे हैं, हमारे मार्गदर्शक है और हमेशा स्वामी लोग सत्य मार्ग दिखाते हैं। तो मैं स्वामी जी से भी कहूंगा कि स्वामी जी कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा आपके नाम की मलाई खाई है, हमेशा आपके नाम का दुरुपयोग किया है, लेकिन हम आज तक इसलिए नहीं बोले कि चलो कोई बात नहीं, कईयों का काम होता है अपने आप रिपोर्ट करने की, लेकिन अब अभी हो चुकी है। आज कोई भी समाज को ऐसे नहीं गलत तरीके से लोग करेगा, अब तक हम भी डिफेंसिव चलते थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज आप समाज के सामने ये बात कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर समाज में इस टाइप की चीज होंगी, इस राजनीति के बाद सामाजिक रूप से, तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा और आप सबका मुझे पूरा समर्थन इस मामले में कि गलत चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के साथ रहने वाले लोग हैं और अवसर में आज आपको ये वचन देता हूँ, ये मुझे स्वामी जी हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, मेरे समाज के पूरे बुजुर्ग मात्र शक्ति बैठी है, मैं इनको हाजिर नाजिर मान में एक बार आप कहना चाहूंगा कि 2017 में आप हमारे हमसफर बन के हमारे बीच में आए थे, सचिन मलिक ने उनके साथियों ने 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए आपने किसी को भी टिकट दी है, हमने तन मन धन से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान कहते हैं कि आपका सहयोग किया, और उसका रिजल्ट है कि आप 2017 के बाद कोई सा भी चुनाव उठा लो, चाहे आप स्वयं लड़े, चाहे 2019 में आपका कैंडिडेट लड़ा, चाहे 2020 में नगर परिषद के चुनाव हुए और चाहे 2024 में आपके चुनाव हुए, चारों चुनाव में आप रेवाड़ी शहर से जीत के निकले हो, ये पंजाबी समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और लोगों ने अपनी लकीर बड़ी ना करते जा रहे हो तो हमारी लकीर मिटाने के लिए आप तो भ्रम पैदा कर दिया हो, लेकिन मैं आज आपके सामने स्वामी जी के सामने ये प्रण लेता हूँ कि हमने तन मन धन से हमेशा आपका साथ दिया, हम कभी भूलकर के राजनीति नहीं करेंगे, हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, आपका हमारा जो हम सफर का रास्ता जुड़ा था 2017 में उसको हम अपनी तरफ से कभी नहीं तोड़ेंगे और कायम रखेंगे। और ये ताकत ये भीड़ बता रही है कि आपका प्रत्याशी 2024 में रेवाड़ी से विधायक बनने जा रहे हैं, इस बात में कोई संशय नहीं, आप जब यहाँ आए कोई मेरे से गलत बात हुई हो मैं पहले उसके लिए क्षमा मांगता हूँ,
जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। देखो जी, मैं पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। पंजाबी समाज हमेशा से राष्ट्रहित में काम करता है जी। चाहे आप पिछले लोकसभा के चुनाव को देखेंगे, देखे होंगे आप, हमेशा डिसीजन राष्ट्रहित में लिए। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे थे जिसको आप सबने आज देख लिया होगा, समाज की एकजुटता नजर आ गई होगी। स्वामी धर्मदेव जी हमारे लिए पूजनीय हैं, इस इलाके में गुड़गांवा रेवाड़ी उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। उनको एक मैसेज दिलवाना था कि कुछ उनके ही ऐसे लोग जो उनके नाम का फायदा उठाते हैं और गलत भ्रांतियां फैलाते हैं, वो एक मैसेज गलत जा रहा था, स्वामी जी ने उसको आके दूर किया। और हमारा समाज को तो जितना इस सरकार ने दिया है, हमारा आज फर्ज है उसका ऋण उतारना। हम समाज से ये अपील करते हैं कि इंसान को जीवन में शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, थैंकलेस नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के 9.5 साल एक मुख्यमंत्री रहे, हमारे समाज के जिला अध्यक्ष है, हमारे समाज को आज पंजाबी भवन बना है, उसमें पार्टी ने पूर्ण सहयोग दिया है, हमारे स्वर्ग आश्रम को पार्टी ने सहयोग दिया है, हमारे किराड़ी कोट धर्मशाला में हमारे को सहयोग मिला। जब पार्टी हमारे साथ है तो हमें पार्टी विरोध में क्यों जाना है? उनके बारे में क्या बात करनी यार? आज आपने जवाब दिया। मैं देखो उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जिस आदमी मतलब मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता, सबको सब पता है जी। क्यों मेरे मुंह से किसी का नाम निकलवाओ, आप क्या कमेंट करने, उसकी बात छोड़ो और कोई आप अच्छी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। पता है जी, ये सबको पता है, ये वीडियो सब जगह वायरल है। हमने तो आज अपील भी यही करी है लोगों से कि हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर रखा है, आज हम भूल जाएंगे तो हम अगली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जो विपक्ष में रह के हमारे नहीं रहे, वो पक्ष में आके पता नहीं कितना नुकसान दे। हमारा जो आज के तारीख में कर्तव्य और फर्ज बनता है, उसको निभाएंगे, अच्छे ढंग से निभाएंगे, बिल्कुल दिखेगा जी, 100% दिखेगा। पिछले 2014 से लेकर आज तक का आप स्कोर उठा लो, वही स्कोर आएगा। लक्ष्मण यादव जी 100% विजय होंगे और हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनकी जीत में।